अस्सलामुअलैकुम, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वह है मुकनी की सब्जी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मुकनी को भिगो के इसके रूट्स कैसे निकालना, इसका वीडियो अपडेट करती हूँ। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मुकनी बनाने के लिए इसका मसाला रेडी करते हैं। दो हरे मिर्च, चार से पांच लहसुन की कलियां, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जीरा पाउडर एक चम्मच, इसका थोड़ा सा पानी डालकर इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। दरदरा सा पेस्ट बना लिया है, इसको एक साइड में रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने भगोना गरम करने के लिए रखा है। तेल डालेंगे डेढ़ चम्मच, कटी हुई प्याज दो ऐड करेंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, फ्लेम को हाई रखकर प्याज को सॉफ्ट करना है। देखिए यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें अभी ऐड करेंगे हल्दी पाउडर एक पाव चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्च का दरदरा हुआ पेस्ट ऐड करेंगे। दो तीन मिनट तक अच्छे से भून लेंगे खुशबू आने तक। मसाले को अच्छे से भून लिए हैं और खुशबू भी आ रही है। अब मुकनी को ऐड करेंगे। कोथिंबीर ऐड करेंगे। नमक डालेंगे आधा चम्मच, मूंगफली का पाउडर है एक चम्मच डालेंगे, एक से डेढ़ चम्मच मिक्स करेंगे। मसाले का पानी डालेंगे थोड़ा सा। ढक देंगे, 6 से 7 मिनट तक इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। बीच में और एक बार चम्मच चलाना है। ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुका है, मुकनी का सालन कितना बढ़िया अच्छे से पका है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। देखिए कितना बेहतरीन बना है। ऐसे ही बनना है सालन, इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं रहना है। अच्छा ड्राई से अच्छा से पकाना है। माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बना है मुकनी का सब्जी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।